लाइव इंडियन गार्ड डिजिटल ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है नेहरू कॉम्प्लेक्स कोयला भवन। खास है, आनंद मेला 28 और 29 जनवरी को लगाया गया है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ सुरभि महिला समिति मंडल के पास। लोधना क्षेत्र का ये मेला है। क्या खास है, यहाँ के अध्यक्ष और मेंबर्स से जानूंगी। बने रहें आप इस खास मेले में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? विनीता सिन्हा। इस मेले का क्या उद्देश्य है? इस मेले का उद्देश्य है कि जो हम लोग इस मेले द्वारा जो भी अर्जित करेंगे वो गरीब के वेलफेयर में यूज़ होंगे। इस स्टॉल में आज क्या क्या अवेलेबल है लोगों के लिए? लोगों के लिए यहाँ पे मटन बिरयानी, मटन करी है और वेज बिरयानी, कटलेट। तो ये हर साल ये यहीं पर आयोजित होता है जी। और कितने मेंबर्स हैं आप लोग? हम लोग 11 मेंबर्स हैं। 11 मेंबर्स हैं। और इसका खासियत ये है कि ये सारे जो आप निर्मित देख रहे हैं, ये यहाँ के कलाकार का लोधना क्षेत्र के कलाकार से निर्मित है। और जो भी है, जो औरतों के ये के लिए, मैंने एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्लोगन्स है, ये सभी हाथ से बना के रखा गया है। मैम, जो दर्शक नहीं पता है कि इस तरह के मेले का आयोजन शहर में क्यों होता है, उन्हें कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? हाँ, जरूर विस्तार से बताना चाहेंगे। बहुत लोग आए तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं जी। तो जो भी हम लोग इसमें जो एक्स्ट्रा पैसे जो इनकम हो रही है, जो थोड़ा ज़्यादा रेट करके रखे हैं, तो वो सारा गरीबों के दान और इस सब के लिए जाएंगे, वेलफेयर के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। जो भी जो नीडी है, जैसे किसी गरीब कन्या की शादी नहीं हो रही है, उसको कुछ हेल्प हो जाती है, वृद्धाश्रम में कुछ डोनेट कर देते हैं, कुछ अनाथ बच्चों को डोनेट करते हैं, इसी से मैंने जो भी होता है जो करते हैं। तो इस मेले में जो लोग भी आयोजक है वो सब BCCL से जुड़े हुए हैं? हाँ, BCCL के द्वारा ही आयोजित किया गया जी। मैम, आपका क्या नाम है? सविता सिंह। मैम, आपका क्या नाम है? अनीता कुमार जी, आप बोलिएगा मैम। हाँ, ये हम लोग की आदरणीय CMD भाभी के द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल इसी में, ये मैदान में, नेहरू ये इस बार कॉम्प्लेक्स। कितना स्टॉल लगाया गया है? ये तो आइडिया नहीं है। 68 स्टॉल। तो आप सुन रहे हैं मेले की जानकारी, एक एक करके हम सभी लोगों से जुटा रहे हैं। BCCL के एम्प्लॉय भी इसमें शामिल है। और जब भी शहर में आनंद मेला का जिक्र होता है तो कई बार मारवाड़ी समाज भी इस तरह के मेले का आयोजन करता है। कोयलांचल की ताज़ा तस्वीरें हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य है इसमें जो भी कमाई होगी उसको आगे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो वर्ग तक कुछ सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही है उन तक ये सुविधाएँ पहुँचाई जाएगी। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है इस आनंद मेले पर। सुरभि महिला मंडल के एक और आयोजक मंडल से मैं बात करना चाहूँगी, जानूंगी इस तरह के मेले का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि कोयलांचल की तस्वीरें जिस तरह से बदल रही है, एक बृहद आयोजन वो भी नेहरू कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़े स्तर का किया गया है। सर से जानना चाहूँगी। सर नमस्कार। नमस्ते, आपका क्या नाम हुआ? BK सिन्हा। सर, आज के आयोजन के बारे में अगर बता दें। एक्चुअली ये 2 दिन से आयोजन चल रहा है जी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि BCCL फैमिलीज मेंबर्स की टुगेदरनेस बढ़े, लोग मिलजुल के एंजॉय करें जी। प्लस यहाँ पे जो फेट्स लगे हुए हैं, बच्चे भी घूमे फिरे, और इनसे जो इनका थोड़ा बहुत जो भी इनकम है या जो अर्निंग्स है जी। वो पुअर सोसाइटीज़ को डोनेट करें और उनको आगे बढ़ाने में काम में यूज़ करें। आप हर साल आयोजन में शामिल रहते हैं? हाँ, इस साल में मैं हूँ, पिछले साल तो मैं था नहीं, पिछले साल मैं दूसरी कंपनी में था, बट वहाँ भी ये चीज़ होती थी। और मेला ओपन टू ऑल है, कोई भी आ सकता है? ओपन टू ऑल है, सभी के लिए है, BCCL के लिए भी है, बाहर के भी स्टेक होल्डर्स हमारे कंपनी के उनके लिए भी है, और मार्केटर्स भी, मार्केट के लोग भी यहाँ पे हैं, ताकि लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना, परिचय और एक दूसरे के मदद में लोग शामिल हो सके। तो जैसा आप सुन रहे थे, धनबाद कोयले की राजधानी कहा जाता है, और जब भी हम धनबाद की खासियत बताते हैं तो BCCL एक ऐसी संस्था है, कोयले खनन में लगातार लगा हुआ है, और इस तरह के आयोजन से सिर्फ BCCL कर्मी ही नहीं, बाहरी लोग भी जुड़ते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। लगातार बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।